रीजन ये है, मौसम का बहुत ही बुरा हाल है यार। अरे तू क्या करने गया था जंगल में? अच्छा खत्म हो गया पानी। आधी अधूरी रह गई होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जब मैं दमदमा लेक गया था, कि दिल्ली से बाहर का टूर करूँगा, तो वहीं के लिए ही जा रहा हूँ। और साथ में मेरा कज़न है, कज़न ब्रदर चीनू। यो बड़ा ही हैवी ड्राइवर है यार ये। 18 साल की उम्र में अच्छी खासी ड्राइविंग सीख ली इसने, इसका लाइसेंस भी बन चुका है, इसलिए हम हाईवे पर जा रहे हैं। और हमारे साथ है हमारी मासी पीछे। हेलो। हेलो। अभी इस वक्त सुबह के बज रहे हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं इस वक्त, और हम निकल गए थे 6:30 बजे करीब, है ना देवी? शायद 6:30 बजे निकल गए थे हम। आधे घंटे में हम अभी दिल्ली में ही है। आधे घंटे ट्रैफिक तो बनता ही है भाई दिल्ली के अंदर, तो अब निकल जाएंगे हम हाईवे, दिल्ली से बाहर निकल जाएंगे 15 मिनट के अंदर अंदर, फिर हाईवे स्टार्ट हो जाएगा, फिर वहाँ की भी वीडियो बनाऊँगा मैं। अब तो जयपुर को एक्सप्लोर करूँगा मैं, जाकर जयपुर में क्या क्या देखने लायक चीज़ें हैं और जो आपने नहीं देखी है वो भी दिखानी है, तो वही एक्सप्लोर करना है। तो स्टे कनेक्ट, बने रहना हमारे साथ ही, और मौज आने वाली है। बड़े हैवी ड्राइवर है भाई, बड़े मौज कर दी। इस वक्त मैं 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ जयपुर, मम्मी मौसी और मौसी के घर पर रुकूंगा वहाँ पर मैं। और सीन ये हो रहा है लॉकडाउन का, काफ़ी दिक्कत हो रही है, मतलब कि कोरोना स्प्रेड होता जा रहा है धीरे धीरे। वही यार, लोग मास्क नहीं लगा रहे, इस तो मैंने मास्क अभी भी हटाया है ताकि मैं बात कर सकूँ, तो मैं भी मास्क ही लगाता हूँ। तो यार मास्क लगा कर रखो यार, अगर मास्क लगा कर रखोगे तो कहाँ स्प्रेड होगा यार। मैंने कई बंदों को देखा, कई लोगों को देखा है मास्क नहीं लगाते हैं, तो लगाओ यार, इतनी नौबत नहीं आती। हमें कोई दिक्कत है इस चीज़ का, कल से ही सोच रहा था मैं कि जाओ या ना जाओ, ये जाओ या ना जाओ, जयपुर जाओ या ना जाओ, इसलिए सोच रहा था ताकि यार मैं फंस ना जाऊँ बस। तो लॉकडाउन का डर है मेरे को, लॉकडाउन लग जाए ताकि मैं फंस ना जाऊँ जयपुर में। फंसना क्या है, अपना सब है वहाँ पर, बस लॉकडाउन ना हो, लिमिटेड मतलब कि कर्फ्यू, लिमिटेड कर्फ्यू लग जाए, लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन लग जाए तो चलेगा। पूरा कर्फ्यू, पूरा लॉकडाउन ही लगना चाहिए, फिर मैं वहाँ पर जाऊँगा, फिर वहाँ पर 1 हफ्ते से ज़्यादा, फिर पता नहीं कितना टाइम लग जाए। तो यार प्लीज़ यार, डिस्टेंस रखो और मास्क लगा कर रखो, सैनिटाइज करो हाथों को, हाथ धो अच्छे से, दूर रखो, दूर रहो अपना लोगों से। ये मैं जब वो जो भी कुछ अच्छी चीज़ें बताओ तो ना, खासता जरूर है। हम अपनी नहीं सोचते तो घर वालों की सोचो, घर वालों की नहीं सोच रहे यार, कम से कम एटलीस्ट यार हॉस्पिटल वालों की सोचो, वो भी उनका भी परिवार है। नर्सेस और डॉक्टर्स कई मारे भी गए यार, मतलब कि कोरोना के चक्कर में डेथ हुई है उनकी यार, उनका सोचो अगर अपने और अपनी फैमिली का नहीं सोच रहे तो। तो खैर छोड़ो इस बात को, और हम चल पड़े हैं जयपुर की तरफ। 2 किलोमीटर और लेफ्ट, 2 किलोमीटर लेफ्ट, 2 2 2 2 2 2 ट्रिपल टू, लेकिन 222 किलोमीटर लेफ्ट। तो दोस्तों अभी तो हम बेरोड पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक है, ट्रैफिक में फंस गए। रीज़न ये है, वही जो किसान आंदोलन चल रहा था, सरदार लोग जब बैठे हुए थे उनकी वजह से जो है यहाँ ट्रैफिक लग रहा है। पता नहीं ट्रैफिक कब तक चलेगा, बेरोड रोड है। कितना टाइम लग जाता है ट्रैफिक में? वैसे तू तो पहले भी आ चुका है, एक घंटा सच में मिनिमम बता रहे, 1 घंटा मैक्सिमम, पता नहीं कितना हो सकता है, अब देखते हैं यार कितना हो गया कितना नहीं होगा। ये ट्रैफिक लग रहा है यहाँ पर, हाईवे पे ही है ये। ये सामने धरना, मतलब कि ये धरना देने बैठे थे, प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा था यहाँ पर, मतलब कि किसान आंदोलन, उसके 1 घंटा हम फंसे रहे यार, अब फाइनली हम निकल ही रहे। मैंने तो खाना भी खा लिया, खाना भी खा लिया इसने, यहाँ चल रहा था ये, इसके वजह से जो है थोड़ा
ट्रैफिक चल रहा था। हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पे पूरा ये जो किसान आंदोलन चल रहा है। अब इनकी भी क्या गलती, इनकी भी क्या गलती, और क्या यार, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। यार उन्होंने कैंप लगा रखा पूरा का पूरा कैंप। जो है थोड़ा ट्रैफिक लग रहा था, अब हम स्पीड में निकल चुके हैं अपने राजस्थान के लिए, जयपुर के लिए। तो फाइनली हम ढाबे पे रुके हैं। मौसम का बहुत ही बुरा हाल है यार, कसम से। मिस्ट धूल ही धूल हो रही है, धूल हो रही है, और थोड़ा ठंडा भी हो रहा है, बारिश से जैसे मौसम सा हो रहा है। अब ढाबे के अंदर जा रहे हम। हमने रुख चेंज कर लिया है, बारिश भी होने को हो रही है और मौसम ने इस तरीके से रुख बदला है। काले बादल। और हम निकल चुके हैं जयपुर के लिए। इस वक्त हम रुके हैं, गाड़ी का शीशा साफ करने के लिए। हमारे भाई साहब को दिख नहीं रही, हाईवे ड्राइवर को आगे का सीन दे दो। तो ये कर रहा भाई, फोटो ले रहा हूँ उसी वाली। अरे तू क्या करने गया था जंगल में? अच्छा खत्म हो गया पानी। आधी अधूरी रह गई होगी वहाँ जंगल में, क्या होगा। अरे नहीं, गाड़ी में डाल रहा पानी। वैसे कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है। वैसे अच्छा तो तब लगता है जब हम दूसरे शहर में जाते हैं, किसी अनजान शहर में जो जहाँ हमारा घर ना हो। हाँ मुझसे बोले मैं अपने शहर में जा रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं अपने शहर से जा रहा हूँ, मेरे को ये भी अच्छा लग रहा है। मैं दूसरे शहर में जा रहा हूँ, मेरे को ये भी अच्छा लग रहा है। गर्मी तो हो रही है। टोल पे पहुंच गए हम, और पापड़ भी ले लिया। सच बताऊं ना, पापड़ का साइज बहुत बड़ा है यार, 10 रुपये का एक अकेला, और काफी बड़ा है। वाह बेटे वाह, क्या हो गया? हम निकला है वो। अभी हम उस वाली लाइन पे लगे हुए थे, चली नहीं रही थी। अबे यही रखना था, गाड़ी बड़ी बड़ी थी, और यहाँ गाड़ियाँ बहुत सारी है। इधर खेल रहे अपन, अब यहाँ पर आ गया। Thank you.
हम जयपुर के अंदर एंटर तो कर गए हैं, लेकिन अभी सिटी आनी बाकी है। सुबह 6:30 बजे निकले थे, 11:45, 11:30 बजे करीब हम जयपुर में एंटर कर चुके हैं। हाय राम, तू फाइन मुझे बुला रही मौसी? हाँ हाँ, अच्छा फाइनली हम पहुँच गए जयपुर। ये मेरे मौसी का घर है। नंगे पाओ, सामान अंदर है। चलो यार, जयपुर तो पहुंच गया हूँ और अब आगे का सफ़र जो है, अभी तो थोड़ा रेस्ट करूँगा, कल से स्टार्ट करूँगा आगे का सफ़र। आगे का सफ़र कल से, थोड़ा रेस्ट करूँगा, फिर थोड़ा अपना ऑफिस का भी काम करूँगा। आगे का सफ़र जो है कल से स्टार्ट करूँगा। चलो तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब कर देना एक बार, बाय। मौसम जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। टाइम क्या हो रहा है? 4 हो रहा है, पता नहीं मेरी शक्ल दिख भी रही होगी या नहीं।